भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र बेदी, हमारे सहयोगी हैं मुकेश रजक और ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है भैया रो सोबित्य गड्ढा से आकाशवाणी तिराहा जी खगोल उतरे से है जा भैया। हमने लाइव प्रस्तुति के लाने दिखाई है कि इतने एक एक्सीडेंट भौतो यही जगह में भौतो और एक बहन की जिंदगी मौत पे थे, दांव पे लग गई थी इस जगह पे। बिटिया बहुत बुरी कंडीशन में घायल हो गई थी, वे बेचारी अस्पताल गई थी, बहुत बुरो एक्सीडेंट बहुत हो। काहे से कहते लाल बत्ती ना हती जा व्यवस्था ना हती जैसी की जब व्यवस्था अब करी गई है, ये जो ये लगाए गए हैं बैरिकेड चारों तरफ जी, हम आपका दिखवा रहे भी लाल बैरिकेड लगी है, ये बैरिकेड जो ये लगाए गए हैं तो जो तो दुनिया जाने थे भैया के जब घटना घट जाए जब सावधानी हो थे तो घटना घट चुकी है के बाद प्रशासन जागू नींद से और प्रशासन ने आनंद फानन में देखो जा सका थे कि लाल बत्ती चालू भई है। आज इसे दिखावो जरूरी है कि प्रशासन का भी कहूँ ना कहूँ ये घटना ने झकझोर दो, ये एक्सीडेंट ने झकझोर दो और लाल बत्ती चालू भई है। लाल बत्ती ये तय की जो चौबत्ते गड्ढा भैया आकाशवाणी से रहा जो देखे जा सका चालू हो गई, जल लाइट भी चालू है। अब है आदमियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी नहीं है, आदमी की भी जिम्मेदारी बनत के अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी से चले, ट्रैफिक नियमन को पालन करे। पूरा हर चीज हर काम पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ो जा सकत के हर चीज की जिम्मेदारी पुलिस के पास है, प्रशासन के पास है। हमारा अपना दायित्व तो है भैया, समाज को दायित्व तो है कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जो ट्रैफिक व्यवस्था जो अब बनाई गई है, जो बैरिकेड लगाए गए हैं, ये अगर पहले लगे होते तो शायद यह घटना न घटती हो, बहुत घटना पे घट भी चुकी है। इसे अब ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं और इसके बाद लाइटें भी चालू हो गई हैं। आज जो सिग्नल चालू करेंगे हम बार बार आपका दिखवा रहे हैं ऐसे कि अब जब व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी गई है कि जिसे इतने घटना ना घटे, नहीं तो इतने भैया बहुत व्यस्त चौराहा है जो नेशनल हाईवे है, जो सागर कानपुर हाईवे है, बहुत व्यस्त है। इतनी से ग्वालियर जात है, इतनी से सब जगह से जो पन्ना नेशनल हाईवे है इस तरफ जो पन्ना जात है, तो ईखा देखत भाई जब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करी गई है, देखी जा सकत भैया बुंदेली चुगली के चाहे वाले वे आवाज लगा रहे कि हमें दिखाओ हमें दिखाओ हमें दिखाओ, हम सबका दिखा रहे। अब जो देखो ट्रैफिक व्यवस्था भैया सुचारू रूप से चल रही, अब लाइट देख के आदमी जो सामने लाइट बे रोक रहे बा लाइट बे रोक रहे, अब इतने दुर्घटना ना हो को घटना ना घटे ऐसी उम्मीद है भैया। और आदमी का भी समझदारी से काम लेने पर है भैया, उकता के ना चलो, सब जने धीरे चलो, ट्रैफिक नियमन को पालन करो, शासन प्रशासन को सहयोग करो। ये बत्ती लग गई है तो जनता की सुविधा के लाने लगाई गई है और हम देखो धीरे धीरे जानकारी भी ले भी का भैया जो लाल बत्ती लग गई अब सही रहो कि नहीं रहो। अच्छा भैया प्रशासन ने नोनो करो, बहुत नोनो करो, जो जब घटना घट गई बाद में जगह नहीं। हाँ साझा बात तो सही है भैया, हकीकत वही है कि काहे लाल बत्ती लग गई। बिल्कुल बिल्कुल जो है भैया लाल बत्ती लग गई है, बता रहे हैं आदमी सही रहो जो बहुत सही भाव का व्यस्त चौराहा है जो, और जो विसर्जन देखो भैया गणेश विसर्जन जरूर दिखाओ भैया, गणपति विसर्जन के लाने जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल भैया जय गणपति की अभिजन ने कहा गणेश विसर्जन देखो भैया, इतने से हम दिखवाओ जा रहे हैं आप लोगों का लाइव प्रस्तुति के माध्यम से कह रहे दिखाओ। चलो भैया जो भी खुश है ओ भाव भी चाहिए, बुंदेली चुगली को दिखावे को मकसद यही है कि जो बहुत व्यस्त चौराहा है वो आज इतने से मंत्री जी का गुजरने हैं। वैसे कही जाते कि छतरपुर को ट्रैफिक लापता रहा थे भैया, गायब रहा थे छतरपुर को ट्रैफिक, दिखात नहीं है कोऊगा। हाँ उनकी गलती नहीं है भैया, तना वसूली वालों सिस्टम में ऊपर भी ध्यान देने अब का वसूली करने है देखो तो उनमें भी देखो वो जरूरी है, कहूँ ना कहूँ ड्यूटी लग जात बेचारन की चले जाते बाई चांस कहूँ धोखे धंधे में नाम आए अपने चौराहन में बैठ गए स्टूलन पे पानान खाबो बढ़िया दरबार भाव ये सब भी हो जाए, अब बेचारे कबों कबों ड्यूटी भी दे दी थी, ऐसी बात नहीं है। अब ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर तो सवाल उठ भी लाजमी है भैया, कैसे ट्रैफिक वाली दिखात नहीं है, ये और ट्रैफिक प्रभारी का ध्यान देने पर है, पटेल साहब का ध्यान देने पर है कि ताकि कहूँ कोनू ऐसी घटना ना घटे। कैसे व्यस्त चौराहा है और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो, डाकखाना हो चाहे भैया जो आकाशवाणी तिराहा हो और चाहे अपना फब्बारा चौक हो चाहे चौक बाजार हो, जिस सब जो ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं
कि जहाँ ट्रैफिक बहुत है देखो जा सके तो एक एक मिनट में सैकड़न गाड़ी जितने से गुजर जाती है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इस रोड में जो सबसे बेस्ट रोड का आउट है। दो दो इतने से नेशनल हाईवे निकले है जो तिकड्डा है, जो दो दो नेशनल हाईवे है, कानपुर नेशनल हाईवे है सागर कानपुर और एक है भैया ग्वालियर रीवा ग्वालियर, ये दो निकले हैं। तो बुंदेली चुगली भैया आप जो और जानकारी दे देंगे, आज मंत्री जी भी तेईस गुजर रहे हैं तो शायद ट्रैफिक व्यवस्था यही से दुरुस्त करी गई है कि ताकि जो ना हो कि छीछा लेडर हो तो प्रशासन जागो है, खुशी की बात है। और देख रहे हैं आपके आदमी कैसे रोको है, हर आदमी रोको है, काहे लाइट लगी है, सामने लाइट लगी है देखो रेड लाइट बा है, अगर रेड लाइट या जल रही हो तो सामने वालों ट्रैफिक अपने आप रुक जे है ना, कि अगर रेड लाइट रह गई तो देखो जो ट्रैफिक रोको है आप जो भी देख सकते हो कि ये सब रुक गए। और पहले ऐसा कछु ना हतो ना ये बैरिकेड लगाए गए थे ना कछु खुलो हतो सब कछु जिसे जब घटना घटी थी। अब प्रशासन जागो है भैया, तो बुंदेली चुगली को दायित्व तो है, बार बार हम जो भी कह भी कि सभी जनन को दायित्व तो है कि प्रशासन की मदद करो, कानून को पालन करो, ट्रैफिक नियमन को पालन करो, सुरक्षित निकलो और सुरक्षित रहो सब जने। और सभी जनन को जो दायित्व तो है कि भैया अपने ट्रैफिक नियमन को पालन जरूर करो जिसे कोनो घटना न घटे। तो बुंदेली चुगली की यह लाइव प्रस्तुति भैया बताइए हम समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया राम राम।